तो हम अपनी जान भी दे दें। तो हेलो दोस्तों, दुनिया की मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आ चुका है और सॉलिड एंट्री मारी है सलमान ने। तो आज जानेंगे कि ट्रेलर पब्लिक को कैसा लगा, मूवी कब रिलीज होगी, मूवी का बजट कितना है, ट्रेलर से जितनी उम्मीद थी क्या उम्मीद पर खरा उतर पाया, ट्रेलर हिट है या फ्लॉप, मूवी में क्या कमी रहने वाली है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले सलमान के डाई हार्ड फैन है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात सलमान सर के लिए दिल से, इस बंदे में कुछ तो बात है यार, मतलब एक ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन को भी आसमान पे पहुंचा दे, ये दम तो बस सलमान भाई में ही है बस। अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो यस, शुरुआत लव एंगल से होती है जिसमें पूजा हेज और सलमान भाई की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई जा रही है। कैसे पूजा हेज मर ही नहीं रही है, फिदा हो गई है भाईजान पर, जो कि बॉलीवुड का एक घिसापिटा थीम है जो हर दूसरी से तीसरी फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनेस्टली बोलूं तो फर्स्ट हाफ तक वो दम नहीं देखने को मिला जिसका हल्ला काफी टाइम से हो रहा था सलमान सर के लिए। जी हां, मूवी को एक्शन के पर्पज से इमेजिन करा जा रहा था और वो इस 3 मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर में 2 मिनट के बाद देखने को मिला। यस, कुछ एक्शन सीन बहुत शानदार है, ब्रेथ टेकिंग एक्शन दिखाया गया है। सबसे शानदार तो वो एक्शन लगा जब मेट्रो में भाईजान इस तरफ से मार के दूसरी तरफ मेट्रो में पहुंचा देते हैं, जो सारा फिजिक्स साइंस और ग्रेविटी को धूल चटा देते हैं। ट्रेलर में सलमान को ऐसा दिखाया गया है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इवन सलमान का नाम तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है और सभी लोग उनका भाईजान के नाम से ही जान रहे हैं। सेकंड पार्ट मूवी का अगर विलेन दमदार हो तो पब्लिक को ये हीरो के साथ गुत्थम गुत्था वाली टक्कर देखने को मजा आ जाता है। जी हां, विलेन काफी स्ट्रांग दिखाया गया है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि विलेन को एकदम क्रूअल और निर्दयी दिखाया जाए, यस, तो इसमें 5 out of 5 है विलेन को मेरी तरफ से। स्टोरीलाइन सिंपल समझ में आ रही है, फैमिली वर्सेस विलेन कंट्रोवर्सी होने वाली है जो फुल साउथ की फिल्म का वाइब भी दे रही है। तो सलमान के नाम पर स्टोरीलाइन में कुछ खास मिल जाएगा ऐसा तो कतई उम्मीद मत रखना, क्योंकि सलमान भाई की फिल्म चलती है उनके एटीट्यूड, एक्शन, जबरदस्त वॉयलेंस और दमदार डायलॉग बाजी से। तो स्टोरी में इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा जो ट्रेलर से ही साफ पता लग रहा है। रिवेंज कॉन्ट्रोवर्सी पर ही पूरी फिल्म घूमती रहेगी जिसमें सम ऑफ पार्ट कभी विलेन पर सलमान भाई भारी पड़ेंगे और कभी सलमान पर विलेन। हाँ, एक चीज तो क्लियर है, सलमान की आइडेंटिटी पूरी मूवी में गुप्त रहने वाली है। कौन है, मिलिटेंट है, सिंपल सिविलियन है, नो वन नोज। तो लव की बात होगी, एक्शन की बात होगी, विलेन की बात होगी, स्टोरी लाइन की बात होगी, अब आते हैं डायलॉग बाजी पर जिसके लिए अपने सलमान भाई काफी फेमस हैं। अगर आप सलमान सर की कोई भी फिल्म उठा लो तो डायलॉग बाजी में कहीं से कहीं तक आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड की सामने वाले को शब्दों में ही समझा दे वाला एटीट्यूड जो विलेन पर सॉलिड भारी पड़ता है। लेकिन ये काफी टाइम से लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये 90s का दौर था जब भारी भारी डायलॉग से पब्लिक का दिल लूटा जाता था, जहां हर लाइन में हर सिनेरियो में आपको एक भारी डायलॉग मिलता था। तो ये पार्ट अगर इस फिल्म में दोबारा से ज्यादा देखने को मिला तो राधे, भारत और दबंग 3 की तरह ये भी पिट सकती है, मतलब एवरेज ट्रेंड कर पाएगी और वो कमाई नहीं कर पाएगी जो सलमान के नाम पर हो सकती है। ट्रेलर में कुछ जगह जबरदस्ती के डायलॉग भी देखने को मिल रहे हैं जो शायद पब्लिक को बोर कर सकते हैं। बाकी अगर ऑनेस्टली बताना चाहूं तो ट्रेलर ना ही बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही बहुत ज्यादा बुरा है। दूसरा, ट्रेलर का पिटफॉल ये लग रहा है कि इस 3 मिनट 25 सेकंड में शायद पूरी कहानी रिवील कर दी है मूवी की, जो साफ पता लग रहा है कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है। लेकिन ट्रेलर ने लोगों का दिल एक्शन में जीत लिया है। सलमान का एटीट्यूड, जो मासी और जेंटलमैन टाइप वाला लुक है, एक्शन के मामले में नंबर वन होने वाली है फिल्म। लव और स्टोरी में उतना दम नहीं देखने को मिलेगा। बाकी और क्या है मूवी में वो तो 21 अप्रैल को पता लगी जाएगा। मूवी को 120 करोड़ के खर्चे में बनाया गया है जो नो डाउट पहले दिन 50 करोड़ से ऊपर की बिग ओपनिंग ले सकती है। मूवी की कास्ट अमेजिंग है जिसमें आपको पूजा हेज, वेंकटेश, जगपति, राघव जुआल जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपकी ट्रेलर और मूवी को लेकर क्या राय है, आपको ट्रेलर कैसा लगा, मूवी के लिए आप कितना एक्साइटेड है, क्या पहले दिन 50 करोड़ के ऊपर कमाई कर पाएगी, क्या लाइफ टाइम कलेक्शन 500 करोड़ के ऊपर कमा पाएगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर देके जाना। बाकी मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं हम आपके सामने दोबारा हाजिर हो जाएंगे। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।